हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। मेरे पास है रियलमी का लेटेस्ट जो है रियलमी 7। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 7 के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें। कई बार आपको जरूरत पड़ती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती कहीं से भी, तो कहाँ से करें वो आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें और इंटरनल और एक्सटर्नल साउंड दोनों ऐड कैसे करें, तो वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो इस चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो सिंपली आपको सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन पैनल है सिंपली आपको उसे ऑन कर लेना है। जैसे आप उसे ऑन कर लें तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपकी आ जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से आपको बीच वाला ऑप्शन देखने मिलता है, सिंपली यहाँ से हम चलते हैं सेटिंग में। यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी यहाँ से स्क्रीन सिस्टम साउंड रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, यहाँ से मोर सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से आप आ जाते हैं मोर सेकंड में। यहाँ से आप देख सकते हैं रिकमेंड सिस्टम साउंड जो कि इनेबल हो रखा है, वाईफाई अगर आपका ऑफ हो तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। वहीं रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड जो भी आपको इनेबल है, अगर आपका बाईडिफॉल्ट ऑफ हो तो आप यहाँ से जाके इनेबल कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिलता है वीडियो रेजोल्यूशन, जिस यहाँ से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हाई मीडियम लो कस्टम जो भी आपको करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिलता है फ्रंट कैमरा से भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्क्रीन टैप यहाँ भी इसे इनेबल है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन की ये सेटिंग करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक जाने वाले, यहाँ आपको इस पर क्लिक कर देना और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। आप जो कि स्क्रीन पर जो भी काम करेंगे आप, बस सारा आपकी स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहीं से आप इसे सेव भी कर सकते हैं। इसे सेव कर दिए और आपके फ़ोन के अंदर ये ऑटोमेटिक शो हो जाती है जैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।